राधे राधे मित्रों, भगवती गीता का तीसरा अध्याय हमें देता है जानकारी गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, विषय भोगों की दुख मूलता तथा देवी भक्ति की महिमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भगवती गीता का तीसरा अध्याय। हिमालय बोले, हे शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त करके ये जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होती है और यह जीव पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है, यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो इन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसीलिए ये पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, यह पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उपदज और जरायुज, ये उसके चार भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मशक यानी मक्षर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उपदज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार से जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदनंतर पुरुष के देह में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर रूप में हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर में सन्निविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर के साथ ही साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है और उस दिन से लेकर के 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। हे पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिनों में समागम करने से स्त्री और सम दिनों में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिस मुख का दर्शन करती है उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर स्त्री के योनिस्थिति रज से मिलकर के एक दिन में कलल बन जाता है और वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर पांच दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें वीर तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात सात रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। हे महामते, एक महीने में क्रम से स्कंद, गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये पांच प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं। तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। पांचवें महीने में कान, नेत्र, नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में भी छिद्र बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और सातवें महीने में केश, रोम आदि उग जाते हैं। आठवें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार से जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूंछ और दांत को छोड़कर के बाकी के सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं।
नौवें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है और वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना को प्राप्त करने से वह जीव खिन्न होता है और अपने पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद करके अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से बात करता है कि मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूँगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर के भक्ति पूर्वक उन्हीं का पूजन करूँगा। पुत्र स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला है। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं ये असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मैदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पीसा जाता है। वासा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीवन नर्क से निकाला जाता है। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी ना कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर के मांस पिंडज की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता और देवयोग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में स्वेच्छया कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोगने के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष से भिन्न है क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का शरण होता है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जल कण की भांति क्षण भंगुर है। महाराज विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव ये सब नहीं देखता, वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि ये भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं, अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित तथा मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इति श्री देवी पुराणे भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवादे तृतीयो अध्याय। नमो नारायण।